मध्य प्रदेश के गुना शहर के जगनपुर में आदर्श कॉलेज के लिए सिक्र जमीन से कब्जा हटाने के दौरान दंपति के कीटनाशक पीने और इनके स्वजनों पर पुलिस के लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ट्विटर पर एमपी कांग्रेस की ओर से मासूम बच्चों के बिलखते हुए फोटो के साथ इसे जंगल राज की लज्जित तस्वीरें बताया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी मामले में सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्यसभा सदस्य बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के कलेक्टर, एसपी और रेंज के आईजी को हटाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है, गलत कोई भी करेगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुना में पुलिस की दलित किसान परिवार पर बर्बर कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन ने देर रात ग्वालियर रेंज के आईजी राजाबाबू सिंह, गुना के कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आईजी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अविनाश शर्मा को ग्वालियर रेंज का नया आईजी व 26वीं वाहिनी गुना के सेनानी राजेश कुमार सिंह को नया एसपी बनाया गया है। बताया गया है कि गुना के अधिकारियों के निर्देश पर नवीन आदर्श महाविद्यालय के लिए अलॉट जमीन पर कब्जा हटाने प्रशासनिक अमला पहुंचा तो अतिक्रमणकर्ता के बजाय उसके बटाईदार राजकुमार अहिरवार के साथ बेदखली की कार्रवाई शुरू की गई। उसे बेरहमी से मारा गया, उसकी फसल नष्ट कर दी गई। तभी राजकुमार अहिरवार व उसकी पत्नी सावित्री बाई ने कीटनाशक पी लिया। इस मामले के सामने आते ही विवाद शुरू हो गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लापरवाह अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी। इस अमानवीय घटना पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह मध्य प्रदेश है, यहां कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी नहीं तो जो पालन नहीं करेगा जेल भेज देगी। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा, जब राहुल गांधी जी की सरकार थी तब प्रीपेड व्यवस्था के तहत अधिकारियों की पोस्टिंग होती थी, हमने जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सब बदल दिए। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को विस्तार से जांच करने को कहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना का वीडियो देखकर व्यथित हूं, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचा जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अजा वर्ग के किसान परिवार पर पुलिस कार्रवाई को बर्बर बताया और कहा कि क्या सरकार ऐसी कार्रवाई रसूखदार व तथाकथित जन सेवकों के खिलाफ भी करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।